अमेठी में संग्रामपुर के चंद्रभान यादव ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जय समाजवादी पार्टी युवजन सभा कार्यालय में ली सपा पार्टी की सदस्यता। युवजन सभा के जिला अध्यक्ष शमशाद खान जायसी द्वारा पार्टी कार्यालयों में दर्जनों की संख्या में लोगों को दिलाई गई। वहीं पार्टी की सदस्यता लेकर चंद्रभान यादव ने कहा, मेरा लक्ष्य 2022 में अखिलेश यादव को भारी मतों से जीतकर फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अमेठी तहसील में हुई समाजवादी पार्टी की बैठक, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बैठक कर सभी को कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 दिसंबर की रात को हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दोषी 3 अभियुक्तों को हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कुल्हाड़ी और छुरी के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या जमीन को लेकर काफी दिनों से चल रहे विवाद के चलते की गई थी। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का नगद इनाम देने की भी घोषणा की गई है। अमेठी जिला के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के रस्ता मऊ चौराहा मंगरौली वाई के स्कूल के सामने जिला पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों के मना करने के बाद भी भू माफिया द्वारा ग्रामीणों को गाली गलौज देते हुए देख लेने की बात कही ग्राम प्रधान की, मिली भगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह के संग्रामपुर के 106 लोगों की पुलिस सुरक्षा में बस हुई रवाना। मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश के ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सभा सचिव, सचिव सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर व सफाई कर्मियों को ग्राम उत्साह समारोह में आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें ब्लॉक परिसर के बस के माध्यम से लखनऊ रवाना किए गए। सुल्तानपुर के लमुआ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा का वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात पांडे और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा लखनऊ से जौनपुर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया। अचानक आयोजित हुए इस स्वागत कार्यक्रम से प्रदेश उपाध्यक्ष गदगद नजर आए। उन्होंने भाजपा नेता प्रभात पांडे और वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अर्पित किया, जिसके बाद लमुआ और चांदा में शोभायात्रा भी निकाली गई। मोतीगरपुर विकासखंड की स्थानीय ग्राम पंचायत मोतीगरपुर पटखौली में नव निर्मित पंचायत भवन DPRO के मौखिक तुगलिकी फरमान के चलते पहले तो ग्राम पंचायत के अधिकारियों का हनन करते हुए नींव देने के बाद निर्माण बंद कर दिया। ग्रामीणों की मांग पर सांसद मेनका गांधी द्वारा हस्तक्षेप करते हुए तत्कालीन SDM जयसिंहपुर राम अवतार को निर्देशित करने के बाद दोबारा निर्माण शुरू हुआ। करीब 2 फीट दीवार बनने के बाद सचिव न होने से कार्य ठप है। अमेठी की चारों तहसीलों में LED वीडियो वैन के माध्यम से मतदाताओं को EVM VPPAT के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सभी तहसीलों एवं जिला मुख्यालय पर डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें मतदाताओं से वोट डलवाकर उन्हें EVM तथा VVPAT के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, तथा EVM व VVPAT को लेकर जन सामान्य में जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। सुल्तानपुर में अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जसवाल पति अजय जसवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर की अभद्र टिप्पणी बताया कामुकता का अतृत्व देवता महापुरुष व पर बेतुका बयान। विपक्षी पार्टियों ने जमकर उबाल। कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचे कोतवाली नगर। नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय को दी तहरीर। मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी से विपक्षी पार्टी में भारी उबाल। विगत दिनों भगवान परशुराम के खिलाफ भी की थी अभद्र टिप्पणी, जाति समुदाय पर टिप्पणी करना पड़ा था भारी। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में उत्तर प्रदेश के परिषदियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने के बावजूद निस्तारण न होने को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सुल्तानपुर की मोतीगरपुर इकाई ने स्थानीय BRC कार्यालय पर रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर BEO दिलीप कुमार को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सर्वधर्म एकता की मिसाल कुतबे आलम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद उर्फ शाह अब्दुल लतीफ शाह स्थतिन शरीफ का 103 साल उर्स बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया जाएगा, जिसमें मुल्क के कोने कोने से जायरीनों का धीरे धीरे जत्था आना आरंभ हो गया है। बाबा के गुस्ले पाक कुरान खुआनी चादर पोशी व
मुए मुबारक की जियारत में तमाम जायरीन शामिल होकर नजराने अकीदत पेश करेंगे। उर्स को सकुशल संपन्न कराने के लिए अमेठी पुलिस प्रशासन संपूर्ण रूप से कमर कस ली है। अमेठी जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। मौके पर 15 लीटर अवैध शराब बरामद तथा 2 अभियोग पंजीकृत। थाना जामो के ग्राम प्राचीन का पूर्वा एवं ग्राम लोरीपुर में की गई छापेमारी। सुल्तानपुर जिले में दवा लेकर बाइक सवार से लूट हो गई। बदमाशों ने तमंचे की नोक पर बाइक सवार युवक से जहां नकदी लूटी, वहीं साथ मौजूद महिला के सोने की चेन लूट के ले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस नाकाबंदी करके पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना दोस्तपुर थाना क्षेत्र के कैथी जलालपुर गांव के पास की है। शादंश से दवा लेकर लौट रहे बाइक सवार को 3 अज्ञात बदमाशों ने रोका और फिर तमंचे की नोक पर 5,000 नकद व सोने की चेन लेकर फरार हो गए। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता को पत्र लिखा है। एमएलसी ने पत्र के माध्यम से जिला के बलद्रीय तहसील क्षेत्र के बंद कुछ धान क्रय केंद्र शुरू कराने की मांग की है। दीपक सिंह ने डीएम को अवगत कराते हुए लिखा है कि बलद्रीय ब्लॉक के हलियापुर, अलियाबाद और तिरहुत बाजार के धान क्रय केंद्र बंद है, इससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। सुल्तानपुर के खेल मैदान पर गरज रही ठेकेदार की जेसीबी और ट्रैक्टर। मनरेगा मजदूरों को नहीं दिया गया काम। अधिकारियों ने बांधी आंखों पर पट्टियां। दोस्तपुर ब्लॉक के खालिसपुर दुर्गा गांव का है मामला। जानकारी के अनुसार करीब एक हफ्ते से खालिसपुर दुर्गा गांव में जेसीबी गरज रही थी। अमेठी में अपनी कई मांगों को लेकर सैकड़ों आशा बहुओं ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुर्सतगंज में धरना प्रदर्शन किया। आशा बहुओं ने कहा कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए और समय से भुगतान किया जाए, जिससे हम लोग की गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। वहीं आशा बहू सीता भारती ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज से सपा ने झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत की। सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव एवं जिला महासचिव सलाउद्दीन अहमद व जिला उपाध्यक्ष अशोक वर्मा ने नगर के पंच रास्ते चौराहे पर विकास श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष व्यापार सभा के घर पर समाजवादी झंडा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। दर्जनों सपाई रहे मौजूद। सुल्तानपुर में धान खरीद में धांधली व टूटी सड़कों को लेकर कांग्रेस पार्टी का महासंग्राम। अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कहा आर या पार। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद त्वरित निदान के आश्वासन के साथ समाप्त हुआ धरना। भरोसा दियारा रोड पर सैकड़ों किसान, नौजवान व कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। जुलूस के रूप में तहसील परिसर तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। परिसर में पहुंचने के बाद घंटों कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन चला। सुल्तानपुर में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज ने निकाली तिरंगा यात्रा। सिरवारा मार्ग पर निकली आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा। संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज